हेलो एवरीवन। तो आज मैं घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा चलो गोवा घूम के आ जाते हैं। मुंबई से गोवा आप बाय बस, ट्रेन और फ्लाइट से जा सकते हैं और मैंने चूज किया सब में चीपेस्ट रूट बाय फ्लाइट से जाने का। एयरपोर्ट पे काफी भीड़ का सामना करने के बाद फाइनली मुझे मेरी सीट मिल गई और कुछ ही देर में हम गोवा के लिए रवाना हो जाएंगे। गोवा में ओला और उबर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ के टैक्सी ड्राइवर कोई भी अमाउंट अपने मुँह से बोल देते हैं और ना चाहते हुए भी हमें बुक करना पड़ता है। तो अब मैं इस वक्त होटल रूम में आ चुका हूँ। मैंने होटल पहले ही कर लिया था जो कि कलंगाड़ बीच से काफी नजदीक है। होटल का रूम ठीक ठाक था और सर्विस भी एवरेज। तो दिन की शुरुआत मैं कलंगाड़ बीच से करूंगा। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त कलंगाड़ बीच पे आ गया हूँ। मरीन ड्राइव के पानी में और यहाँ के पानी में डिफरेंस आप साफ साफ देख सकते हैं। धूप काफी ज्यादा है और मैं गॉगल लाना अपना भूल गया। मैं आपको अपने गोवा ट्रिप के बारे में बता देता हूँ। तो सब में पहले मैं यहाँ पे 2-4 बीचेस है वहाँ पे घूमने जाऊंगा, उसके बाद मैं बोटिंग करूंगा और रात में क्रूज शिप पे डिनर करूंगा। अगर आप बीच पे घूमते घूमते थक जाते हैं तो यहाँ पे बेड अवेलेबल है जिसका 100 रुपया चार्ज रहता है 2 घंटे का, तो आप यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे एक ग्रुप भी आया हुआ है जो बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई कॉल सेंटर से है। काफी देर फोटो शूट और वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद अभी मैं यहाँ से जाऊंगा। तो अब मैं यहाँ से बागा बीच जाने वाला हूँ। बागा बीच पहुँचने के बाद मैंने यहाँ से एक बोट बुक किया जो हमें 4-5 पॉइंट लेके जाएगी। तो अभी इस वक्त मैं बोट में बैठ चुका हूँ। बोट में बैठने से पहले आप एक बात का ध्यान दें कि आप गॉगल जरूर ले लें, क्योंकि समुद्र का खारा पानी आपकी आंखों में डायरेक्ट जा सकता है और आपकी राइड खराब हो जाएगी। सब में पहले हमने डॉल्फिन पॉइंट पे गए और डॉल्फिन देखी, लेकिन मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाया। उसके बाद अभी हम अगोडा फोर्ट देखने जा रहे हैं। 2-3 घंटे का ये राइड था हमारा, बहुत ही मजा आया, कुछ अलग सा एक्सपीरियंस था। इन शॉर्ट बोलू तो पैसा वसूल था। काफी इंजॉय करने के बाद अब हम रिटर्न जा रहे हैं। 2-3 घंटे राइड करने के बाद भूख काफी ज्यादा लग गई है। अभी मैं बीच पे खाना ऑर्डर करके खाया। यहाँ पे कोई भी स्टार्टर मंगा लो, सब चिकन चिल्ली जैसा ही टेस्ट लगता है। अब इसके बाद मैं जाऊंगा अंजुना बीच। अंजुना बीच भी काफी अच्छा था। यहाँ पे मैंने क्रूज शिप बुक किया। पहले यहाँ से हमारी बस है वो हमें पंजिम लेके जाएगी। पंजिम में क्रूज शिप रहेगी और क्रूज शिप में हम 2-3 घंटे बिताएंगे और रात में वहीं डिनर भी करेंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मैं अंजुना बीच पे हूँ। काफ़ी खूबसूरत ये बीच लग रही है रात के टाइम पे, और बीच पे काफ़ी बीचेस भी घूम रही हैं। शिप पे फर्स्ट फ्लोर पे डीजे बज रहा था और मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं वहाँ से ऊपर टॉप फ्लोर पे आके मैंने काफ़ी देर वीडियो शूट किया और उस पल को इंजॉय किया। क्रूज शिप का खाना काफ़ी ज़्यादा बकवास था जो गले से नीचे नहीं उतर रहा था। अगर आप क्रूज शिप पे खाने के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ ना जाइए, सिर्फ उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाइए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हेलो एवरीवन। तो इस वक्त मैं गोवा बीच पे आया हुआ हूँ। ये बागा बीच है, काफ़ी खूबसूरत बीच है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे उस साइड से कलर से नहीं आ रहा तो उस साइड से वीडियो पड़ूंगा। काफ़ी ज़्यादा धूप है यहाँ पे और अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इधर आपको अच्छा है, इस तरफ से व्यू ज़्यादा अच्छा है, मतलब तो आप देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड ही देखा। हेलो एवरीवन। तो इस वक्त मैं गोवा में हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं बागा बीच पे, काफ़ी खूबसूरत जगह है। और मैं क्या बोलूँ बागा बीच के बारे में, आओ एक बार विजिट करो, अच्छा लग रहा है आपको, देखो इधर से अच्छा है। धूप की किरणें सीधा मुंह पे आ रही है तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिर मैं अभी सारा दिन तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, अभी थोड़ा इन्जॉय करूँगा, तो आप भी इंजॉय करो जहाँ पे थी वहाँ पे, मैं तो गोवा में इंजॉय करूँगा। ओके, तो अभी मैं होटल जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी भूख लगी हुई है, लेकिन ये रेत है इस पर चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अभी आप नहीं समझोगे, जब आओगे तो पता चलेगा।